हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम आ गए फिर से एक नए वीडियो में, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नया वीडियो नहीं कह सकते, नया चैप्टर नहीं कह सकते, क्योंकि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे सिग्मा सर ने एकदम अच्छे से पढ़ाया, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो लेकिन अब वो जो पार्ट नंबर 3 है उससे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे हमारा सिग्मा सर, क्योंकि वो हमारे एसएस और इंग्लिश के वीडियो बना रहे, ठीक है। तो मैं आपको इस आगे मतलब मैं कंटिन्यू करूंगा इस चैप्टर को। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे अपलोड है, पार्ट 3 से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो देखो, लास्ट टाइम पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 के 7 नंबर पे, ठीक है, 7 नंबर से हमारा बाकी था। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि जितनी भी टर्म्स यहाँ पे दी गई है, ये सिर्फ टर्म्स कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्म। तो ये दिख रहा है, ये सब क्या है, टर्म है। इसे क्या कहते हैं, ए। सबसे पहले टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, या फिर ए वन। दूसरी टर्म को A2, A3, A4। आपको याद करवाया था ना सिग्मा सर ने पानीपुरी के एग्जाम्पल से, सबसे पहले आप एक पहली पानीपुरी खाते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर लास्ट में एक मसाला पूरी, ठीक है। चलो, अब ये इसमें क्वेश्चन में ऐसा बताना है कि जितनी भी टर्म्स है ये एपी फॉर्म करती है कि नहीं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है कि नहीं। और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनेगा, जब कॉमन डिफरेंस डी मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस मतलब इन सब के जितनी भी टर्म्स है उनका डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी ये जो जितनी भी टर्म्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी। चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है ए, इस 7 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग, तो ए की वैल्यू है 0, ठीक है। A2 की वैल्यू है -4, A3 की वैल्यू है -8, A4 की वैल्यू है -12। तो देखो, अब क्या हमें इसका डिफाइन करना है, सारे टर्म्स के बीच का हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब डिफाइन करना है। डी का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा सर ने बताया था ना, डी का फॉर्मूला क्या था, वो डी इज इक्वल टू ए के प्लस 1 माइनस ए के। अब के की जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले लो, के की जगह पे हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो के की जगह पे 1 लिया, तो 1 प्लस 1 माइनस ए 1, के की जगह 1 लिया ना, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो ऐसे वो फॉर्मूला बना, क्या बना, A2 माइनस A1। जैसे ही आप आगे 2 लगाओगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो वैसे ही हमें इस सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो, A2 माइनस A1, आपने ये लिखा है तो इधर A लिख देते, A1 नहीं लिखते, वैसे दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या होता है, एक ही होता है। तो A2 क्या है हमारा, -4, फिर फॉर्मूला का माइनस आएगा, ठीक है। और A की वैल्यू क्या है, 0। अब देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 प्लस 0 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, लेकिन साइन माइनस साइन जो है वो माइनस का कैरी होगा, ठीक है। तो -4, पहले डी की वैल्यू है हमारी -4। अब आगे देखते हैं, A3 माइनस A2, हमें सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो अब A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, ठीक है, ऐसे। अब A3 क्या है हमारा, -8 है, फिर फॉर्मूला का माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट में -4। कैसे, जो A2 है ना वो क्या हमारा -4 है ना, तो हमें एक फॉर्मूला का माइनस रखना है, और खुद A2 जो -4 है तो उसका भी माइनस हमें साइन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, -8 + 4। बेसिकली माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लीकेशन में कट हो जाता है। तो इधर अपने प्लस आ गया। अब ये क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन साइन बड़े का कैरी होगा, बड़ी डिजिट का साइन कैरी होगा, तो 8 हमारा बड़ा डिजिट है, उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस को हमने उधर कैरी कर दिया, भेज दिया, चलो उस पर लगा दिया। अब A4 माइनस A3, A4 क्या है, -12 है, फॉर्मूला का माइनस, फिर माइनस क्या है, 8, A3 माइनस 8 है ना, फॉर्मूला का माइनस, फिर वो A3 खुद -8 है, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में रखा, ठीक है। अब देखो, माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में कट हो जाता है, तो प्लस का साइन लगेगा वहाँ पे, -12 + 8। अब 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 12
में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन साइन बढ़ेगा कैरी होगा, 12 डिजिट बड़ा है, बड़ा है तो उसका साइन माइनस कैरी हुआ। अब देखो सब में जो डी है वो हमारा कॉमन आ रहा है, मतलब ये जो जितनी भी टर्म्स है वो क्या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती है, मतलब ये वाली टर्म्स, ये 0-4, मतलब ये जितनी भी टर्म्स है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, एपी बनाता है। अब देखो अब क्वेश्चन में ये था कि अगर इधर जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसमें कोई भी जितनी भी टर्म्स है कोई भी टर्म्स एपी बनाती है तो उसके आगे की 3 टर्म फाइंड करनी है, मतलब A4 तक हमें दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है, A5 को फाइंड करना है, A5 फिर A6 को फाइंड करना है, A7 को फाइंड करना है, ठीक है चलो ये भी कर लेंगे। तो A5 का फॉर्मूला क्या था हमारा, A5 का फॉर्मूला क्या था A, अब देखो ये जो A5 का वो फॉर्मूला कैसे निकलता है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, A5 का फॉर्मूला क्या था, A+D, देखो 5 में से 1 जाएगा 4 तो ऐसे वो फॉर्मूला बना। अभी कैसे बना वो भी बता देता हूँ, शायद सिग्मा सर ने हमारा बता ही दिया होगा, ऑब्वियसली बताया होगा, A+N-1(D). तो ये जो है एक फॉर्मूला है, इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला है जो आगे 5.2 में काम आएगी, ठीक है तो ये वो फॉर्मूला है। अब देखो n है ना, n उसकी जगह हमने 5 ले लिया, तो इधर भी जो n है उधर भी 5 लिखेंगे ना हम, तो A+5-1(D), तो A5=A+5-1 कितना होता है 4D, ठीक है तो ऐसे वो फॉर्मूला आया, समझ गए, चलो कोई नहीं अब हम बढ़ते हैं आगे। तो A5 का फॉर्मूला क्या है, A+4D, A+4(D), ये A5 है, थोड़ा अतरंगी तरीके से लिख दे, A क्या है हमारा, क्या है हमारा A 0, तो क्या लिखेंगे 0+4, D तो हमने अभी फाइंड किया क्या -4, सबका D ये जो D है वो -4 आया ना, तो वो D की वैल्यू -4। अब देखो 0+4 का कितना होता है 16 होता है -16, तो सिग्मा सर ने क्या बताया था हमें, चीज़ों को ब्रैकेट में रखना है तो एकदम इजी रहेगा, ठीक है चलो। अब देखो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में, देखो जब भी ब्रैकेट में हो ना तो समझ लेने का मल्टीप्लीकेशन में वो चीज़, ठीक है तो देखो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 16, मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस का साइन लगता है, ठीक है चलो ये हो गया। अब जीरो में से 16 जाएगा तो 16 ही बचेगा ऑब्वियसली, और माइनस का साइन, तो जो A5 है वो हमारा कितना आया -16 आया, चलो इधर हम लिख देते हैं -16, ओके ये हो गया। अब क्या फाइंड करना है A6, तो A+5D, माइंड मैप सिग्मा सर के लैंग्वेज क्या माइंड मैप, क्या माइंड मैप, A6=A+, इधर D लगाना है फिर 6 में से 1 माइनस करना है तो उधर वो 5 लग जाएगा, ठीक है ऐसे फॉर्मूला याद रखाने की ट्रिक है हमारे सिग्मा सर की। चलो A की वैल्यू क्या है 0+5(-4), 0+ ब्रैकेट में रखेंगे, चीज़ों को ब्रैकेट में रखेंगे तो आसानी रहेगी, किसने पढ़ाया हमें सिग्मा सर ने, 5(-4)-20, 0। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस का साइन लगता है, 0 में से 20 जाएगा तो ऑब्वियसली -20 आंसर आएगा चलो तो जो ये हमारा A6 था वो कितना आया -20। अब A7 माइंड मैप A+B और 7 है तो 1 माइनस कर देंगे तो 6, 0+6(-4), तो 0 प्लस ब्रैकेट में रखेंगे आसान रहता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस, तो 24 चलो तो -24 वो हमारा क्या आया A7। तो देखो हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो बनाती है और इसके आगे की 3 टर्म्स भी ढूंढ ली, तो क्वेश्चन 7 खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8, अरे सॉरी क्लियर ऑल है ना क्यों इतना लोड लेने का, चलो 8 नंबर, तो 8 नंबर में सबसे पहली टर्म देखो क्या है -1/2, ठीक है A2 क्या है सेम -1/2, A3 भी क्या है -1/2, A4 वो भी क्या है -1/2, तो देखो सारे टर्म सेम है तो आपको क्लिक तो हो ही गया होगा माइंड में कि इसके डी भी कैसे आएंगे सेम आएंगे, डी कैसा आएगा इसका सेम, चलो
तो d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 माइनस a इज इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉइंट टू, फिर माइनस फॉर्मूला का माइनस, ठीक है कुछ लोग ऐसे लगा देते माइनस, इधर जो माइनस वन अपॉइंट टू है तो वो लगा दिया, फॉर्मूला का माइनस लगाना जरूरी है तो फिर गलत हो जाएगा, फॉर्मूला का माइनस फिर ब्रैकेट में एक और माइनस माइनस वन अपॉइंट टू जो a की वैल्यू है, ये माइनस बाहर है। अब देखो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू, देखो वन अपॉइंट टू प्लस में वन अपॉइंट टू माइनस में, तो ये दोनों कट हो जाएगा तो आंसर हमारा आएगा जीरो। तो ये हो गया। अब ए थ्री माइनस ए टू, माइनस वन अपॉइंट टू, फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर जो ए टू की वैल्यू हो क्या है माइनस वन अपॉइंट टू, ठीक है देखो सेम ऊपर जैसे हुआ माइनस वन अपॉइंट टू, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस का साइन लगता है तो वन अपॉइंट टू, ये प्लस में ये माइनस में, आंसर क्या आया जीरो, ठीक है। और हाँ एक चीज़, डी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अभी तक हमारा डी एकदम सही जा रहा है, उसने हमें दगा नहीं दिया, सिग्मा सर की लैंग्वेज दगा मतलब धोखा नहीं दिया अभी तक डी ने हमें, वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू, ठीक है सेम है, अब इतना बताने की जरूरत नहीं है। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये प्लस में ये माइनस में, क्या आया हमारा जीरो। तो देखो डी जो है इस क्वेश्चन में हमारा डी एकदम सेम है, चलो तो ये मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, और इसके आगे की तीन टर्म भी फाइंड करनी है, देखो सारे टर्म सेम है ना तो तीन टर्म भी सेम ही होगी, तो इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो ए फाइव इज इक्वल टू माइंड मैप, माइंड मैप फाइव माइनस वन कितना फोर, ए की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉइंट टू प्लस फोर, फोर फोर इंटू डी क्या है जीरो, डी हमारा क्या है जीरो, क्या टेंशन है, फोर इंटू जीरो कितना होता है जीरो होता है, तो इफेक्टिवली हमारा आंसर क्या आया माइनस वन अपॉइंट टू, ठीक है। तो ए फाइव हमारा आया माइनस वन अपॉइंट टू, चलो अब ए सिक्स पे आ जाते हैं, ए सिक्स का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस फाइव इंटू डी, ए क्या था हमारा माइनस वन अपॉइंट टू प्लस फाइव इंटू जीरो, फाइव इंटू जीरो तो जीरो ही होगा माइनस वन अपॉइंट टू प्लस जीरो, अब देखो जीरो है तो कुछ प्लस माइनस करने का मतलब नहीं है, वैल्यू ही नहीं होती उसकी कोई, चलो तो माइनस वन अपॉइंट टू जो हमारा है वो ए सिक्स, सब सेम ही आएगा, तो भी मैं करके बता देता हूँ सिक्स डी, ए सेवन क्या होगा हमारा ए प्लस सिक्स डी, तो ए जो है वह है माइनस वन अपॉइंट टू प्लस सिक्स इंटू जीरो, तो माइनस वन अपॉइंट टू प्लस जीरो, तो इफेक्टिवली हमारा आंसर क्या आएगा माइनस वन अपॉइंट टू जो ए सेवन, मतलब सारी जितनी भी टर्म है क्योंकि ए जीरो है, अगर ए जीरो है तो उस जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस आएगा ही नहीं, तो जितनी भी वैल्यूज थी वो हमारी क्या थी माइनस वन अपॉइंट टू। सबसे पहले ये चीज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, और उसके आगे की तीन टर्म ढूंढनी थी वो भी हमने ढूंढ ली। चलो अब हम बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइन नंबर, चल भाई पेन आ जा, अरे इधर ए वाली नहीं लेनी थी, उस पर क्या थोड़ा रफ करने में लोचा हो जाता है इसीलिए। देखो अब क्वेश्चन नंबर नाइन, ए इज इक्वल टू वन, ए टू इज इक्वल टू थ्री, ये ए पहली टर्म ए, फिर ए टू, ए थ्री क्या है हमारा नाइन है, ए फोर हमारा क्या है ट्वेंटी सेवन। अब सबके डी फाइंड करने, तो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू, जो ए टू है वो हमारा क्या है थ्री है, फिर फॉर्मूला का माइनस और ए हमारा है वन, ठीक है थ्री माइनस वन कितना होता है टू, ठीक है डी। अब ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री हमारा क्या है नाइन है, और जो ए टू है वो हमारा सबसे पहले फॉर्मूला का माइनस, ठीक है, और ए टू हमारा क्या है माइनस सॉरी माइनस थ्री प्लस थ्री, ठीक है। अब नाइन में से थ्री जाएगा कितना बचेगा सिक्स, तो देखो डी ने आपको धोखा दे दिया, दगा दे दिया डी ने आपको, देखो पहले टू आया फिर सिक्स आया, जब डी अगर डी सेम है ही नहीं तो फिर वो आगे वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाएगी, जब डी हमारा सेम है ये, तो हम ऐसा लिखेंगे ए थ्री माइनस ए टू इज नॉट इक्वल टू ए टू माइनस ए, क्या लिखेंगे रीजन में ए थ्री माइनस ए टू इज नॉट इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन ए पी,
ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये हमारा क्या एपी फॉर्म नहीं करता, क्योंकि क्यों नहीं करता, क्योंकि डी जो है हमारा सेम आया ही नहीं इसकी वजह से। देखो इधर जो डी सेम नहीं आया तो फिर आगे फाइंड करने के मतलब ही क्या है, टाइम वेस्ट क्यों करना है हमें। चलो तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेन, अरे पेन ही क्लियर हो गया, कोई नहीं। टेन नंबर, टेन नंबर क्या है जिसमें पहली टर्म है ए ही है, पहली टर्म ए। देखो ये ए है, ये ए वन है, ठीक है, हमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ए टू हमारा क्या है, टू मतलब ये पहली टर्म है जिसकी वैल्यू है ए, दूसरी टर्म की वैल्यू है ए टू, सॉरी टू है। ए थ्री है हमारा थ्री है, ए फोर है हमारा फोर है, ठीक है। चलो अब हम क्या फाइंड करेंगे, डी। अगर डी ने हमें धोखा दे दिया तो फिर हम आगे सम नहीं करेंगे, समझ रहे हो। ए टू माइनस ए इज इक्वल टू टू ए माइनस वन। ए टू की वैल्यू क्या है, टू है, फिर फॉर्मूला का माइनस, और जो एक ए वन की वैल्यू क्या है ए। देखो ये, देखो ये लाइक टर्म्स है, क्या है लाइक टर्म, लाइक टर्म मतलब देखो दोनों साइड पे ए है, इधर टू है और उधर देखो इधर कुछ नहीं है, मतलब वन होता है, वन है। देखो दो में से एक जाएगा कितना बचेगा, एक बचेगा वन है, तो वन पर हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे ए। तो जो ए आया वो हमारा कॉमन डिफरेंस इधर, ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री क्या है हमारा थ्री है, फॉर्मूला का माइनस, थ्री क्या है हमारा टू है, ठीक है। थ्री में से टू जाएगा कितना बचेगा वन, और वन को हम लिखते नहीं है, हम क्या लिखेंगे ए। अभी तक हमने, अभी तक डी जो है उसने हमें धोखा नहीं दिया है। चलो अब हम बढ़ते आगे, ए डी इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री। तो ए फोर है वो क्या हमारा फोर है, माइनस जो ए थ्री है वो हमारा थ्री है। देखो फोर में से थ्री जाएगा कितना बचेगा वन, ए है वन तो हम लिखते नहीं है ऐसे, देखो ऐसे आया वो, ठीक है ना, उसमें हम वन नहीं लिखते, हमें पसंद नहीं है। तो जो डी है वो हमारा सही जा रहा है, एकदम इक्वल है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। चलो अगर ये अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है तो इसके आगे की तीन डमी हमें ढूंढनी पड़ेगी। चलो तो ढूंढ लेते हैं, ए फाइव फॉर्मूला क्या माइंड मैप, ए प्लस डी, और जो पाँच में से एक कम कर देंगे वो डी के साथ चिपका देने का, पाँच में से एक जाएगा कितना चार बचेगा ना, डी के साथ चिपका दो उसे। अब ए की वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है, प्लस फोर, और जो डी है वो भी, डी की वैल्यू हमारी क्या है ए। तो देखो ए फोर इंटू ए, ठीक है। अब देखो ये फोर ए है, ये वन ए है, तो क्या हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव है, ए फाइव की वैल्यू हमारी यही फाइव है, ठीक है। अब ए सिक्स, ए प्लस फाइव डी, ए वन हमारा ए है प्लस फाइव डी जो है वो भी हमारा ए है, ए प्लस फाइव इंटू है। देखो ये फाइव, ये इधर वन है, फाइव प्लस वन कितना होता है सिक्स, और आगे ए। ए सेवन वो हमारा कितना है, ए प्लस सिक्स डी, ए की वैल्यू क्या है हमारी ए प्लस सिक्स इंटू ए, तो ए प्लस सिक्स ए कितना हो जाएगा वन है ना, सिक्स प्लस वन सेवन है, ठीक है। ये आया हमारा सिक्स है, ये आया हमारा सेवन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलो अब देखते हैं आगे है कि नहीं क्वेश्चंस है। चलो कहाँ तक है, अरे रे रे रे, पंद्रह क्वेश्चंस है। चलो कोई नहीं, एकदम आराम, ये तो हो गया हमारा, इधर आया हम। चलो चलो फटाफट देखो, अब आया हमें थर्टीन नंबर के क्वेश्चन पे। अब इसमें भी हमें बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं। चलो तो देख लेते हैं, ए जो है सबसे पहली टर्म हमारी क्या है अंडर रूट थ्री, ए टू हमारा है वो अंडर रूट सिक्स, ए थ्री हमारा अंडर रूट नाइन, और ए फोर है वो हमारा अंडर रूट ट्वेल्व। चलो कोई नहीं, अब डी फाइंड करेंगे, क्या करेंगे डी को फाइंड करेंगे। ए टू माइनस ए, ए टू की वैल्यू क्या है अंडर रूट सिक्स, फॉर्मूला का माइनस, और ए जो है वो हमारा अंडर रूट थ्री। तो देखो अब आगे कुछ होगा नहीं, इधर अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट थ्री, देखो दोनों की परफेक्ट वैल्यू भी नहीं है, और आगे कुछ होगा भी नहीं, कुछ कॉमन भी हम निकाल नहीं सकते, मतलब कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इधर तक हमारा डी है, ए थ्री माइनस ए टू,
देखो ये पहला हमारा इतना आया, ठीक है, आगे प्रोसेस होगा नहीं इसका आगे। अब है ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री ये वो हमारा अंडर रूट नाइन है, माइनस फॉर्मूला का माइनस, ए टू क्या हमारा अंडर रूट सिक्स। अब देखो जो अंडर रूट नाइन है वो किसका स्क्वायर है, नाइन किसका स्क्वायर है, थ्री का ना, तो थ्री लिख देंगे, थ्री माइनस अंडर रूट सिक्स। तो देखो ये जो डी है वो हमारा सेम आया ही नहीं, इधर क्या आया, ऊपर क्या आया अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट थ्री, और नीचे आया हमारा थ्री माइनस अंडर रूट सिक्स। तो फिर जो डी है हमारा उसने हमें धोखा दे दिया, दगा दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे, ए थ्री माइनस ए टू इज नॉट इक्वल टू ए टू माइनस ए, तो लिखेंगे दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में उसको क्या लिखते हैं, ए पी लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये सम तो अब आगे होगा नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है, खत्म हो गया इधर ही, डी हमारा इक्वल आया ही नहीं। अरे यार मैं पेन को कट कर देता हूँ, क्लियर ऑल करना होता है कोई भी। चलो 14 नंबर, ए है हमारा वन का स्क्वायर, ए टू है हमारा थ्री का, ए टू है हमारा थ्री का स्क्वायर, ए थ्री है हमारा फाइव का स्क्वायर, और ए फोर है हमारा सेवन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसके स्क्वायर्स कर लेते हैं, तो हमें क्या माइनस प्लस करने में इजी रहे। तो देखो वन का स्क्वायर कितना होता है वन, तो ए वन की वैल्यू हो गई वन, देखो ए की वैल्यू हो गई वन। अब थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन, तो ए टू की वैल्यू हो गई नाइन। फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव, और सेवन का होता है फोर्टी नाइन। चलो ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डी, ए टू माइनस ए इज इक्वल टू, ए टू है वो हमारा क्या है नाइन है, माइनस में ए की वैल्यू हमारी है वन, तो क्या हो जाएगा नाइन माइनस वन एट। चलो डी की हमें पहली वैल्यू मिली, अब देखते आगे मैच होती है कि नहीं। ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू, ए थ्री हमारा क्या है ट्वेंटी फाइव, माइनस ए टू क्या है हमारा नाइन, पच्चीस में से नौ जाएगा, कितना बचेगा सोलह। तो देखो ये आठ है और ये सोलह है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि जो डी है वो हमारा सेम आया ही नहीं। तो ए थ्री माइनस ए टू इज नॉट इक्वल टू ए टू माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया, क्योंकि अब आगे तो कुछ होगा नहीं। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, 15। वन का स्क्वायर, ए है हमारा वन का स्क्वायर, ए टू है हमारा फाइव का स्क्वायर, और ए थ्री है हमारा सेवन का स्क्वायर, और ए फोर है हमारा सेवन का क्यूब। क्वेश्चन सही है, तो सॉरी गाइज, वो क्या मेरे को आई थॉट कि ये क्वेश्चन शायद गलत है, क्योंकि सेवन का क्यूब अचानक से आ गया, इधर सब स्क्वायर, ये जो है ना वो सेवेंटी थ्री है, क्या है वो सेवेंटी थ्री, क्यूब नहीं है वो 73 है, ठीक है। तो ए फोर है वो हमारा है 73। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, वन का स्क्वायर वन इज इक्वल टू वो हो गया, चलो ए टू फाइव का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है, ये हो गया हमारा 49, सेवन का स्क्वायर 49, और देखो ये तो हमें परफेक्ट वैल्यू देख ही रखी है, हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डी, डी का फॉर्मूला ए टू माइनस ए इज इक्वल टू, ए टू क्या है हमारा 25, माइनस ए क्या है, ए हमारा क्या है वन है, तो 25 माइनस वन कितना होगा 24। डी ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री क्या है हमारा 49, माइनस फॉर्मूला का माइनस, फिर ए टू क्या है हमारा 25। देखो 49 में से 25 जाएगा, कितना आएगा 24 आएगा। चलो अभी तक हमने, हमारा जो डी है उसने हमें धोखा नहीं दिया है, दगा नहीं दिया है। अब आगे ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर क्या है हमारा 73 माइनस 25 नहीं, ए थ्री हमारा क्या 14 है, तो इसको हम माइनस करेंगे कितना होगा, चलो ये भी कर लेते हैं माइनस, 24 ही होगा आई थिंक, 13 माइनस करके दिखा रहा हूँ, देखो एकदम डिटेल 24। तो जो डी है उसने हमें धोखा नहीं दिया है, और अगर डी हमारा सेम है तो क्या है, फिर जितने भी क्वेश्चंस है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 15,
ये क्या बनाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, मतलब जितनी भी टर्म है ये वो क्या बनाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। चलो तो बना रही है, तो आगे के तीन टर्म फाइंड करने पड़ेंगे ना। अब तो ए फाई क्या है हमारा, ए फाई का फॉर्मूला ए प्लस फोर डी माइंड मैप। ए क्या है हमारा, वन प्लस फोर इंटू डी, तो हमने अभी फाइंड किया 24, वन प्लस, अब देखो 4 को 24 से मल्टीप्लाई करो, वो भी हम कर लेते हैं 16, 4 टू ज़्यादा कितना होता है 8 होता है 9, 96, कितना होगा 96 प्लस 1 90, A5 आया हमारा 97, A6 फॉर्मूला A प्लस डी, 6 में से 1 जाएगा 5, डी के साथ उसको चिपका दिया माइंड मैप। A हमारा क्या है, 1 है प्लस 5 इंटू 24, तो 1 प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़्यादा 20, 5 2 ज़्यादा 10 और 12, चलो तो 1 2 1, ए सिक्स आया हमारा 1 2 1, ओके। ए सेवन ए प्लस डी, 7 में से एक जाएगा कितना बचेगा 6, तो उसको का हमने डी के साथ चिपका दिया माइंड मैप। 1 प्लस ए की वैल्यू हमारी 1, फिर 6, डी की हमारी वैल्यू है 24, चलो बढ़ते आगे 1 प्लस, अब 6 को इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 6 4 जा 24, 6 2 जा कितना होता है 12, और 2 कैरी था ना ऊपर, तो 145, ओके समझ गए। चलो तो ये हमारा एक्सरसाइज आई थिंक खत्म हो गया, नीचे अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो 5.1 हमारा खत्म हो गया, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। तो देखो इधर क्या बोला गया है, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एपी, ये हमें एपी दे के रखा है, क्या देखे रखा है एपी, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये नक्की है, ये हमें बता के रखा है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ए है वो क्या हमारा 2 है, ठीक है। और देखो अगर आपको टेंथ टर्म का मतलब क्या होता है, A10, मतलब वो टेंथ टर्म, देखो हमने बताया ना कि A1 वो एक टर्म है, A2 मतलब वो सेकेंड टर्म हो गई, फिर A3 वो थर्ड टर्म हो गई, तो वैसे ही टेंथ टर्म मतलब A10 को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड, एकदम आराम से करेंगे। A10 को फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, A+90। तो देखो फॉर्मूला में देखो हमें क्या चाहिए A10 को ढूंढने के लिए, A चाहिए और D चाहिए, तो वो तो मिल जाएगा, देखो A तो हमें पता ही है 2 है, और D तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले से बता के रखा है। तो इसका जो D है वो क्या निकलेगा, A2 - A, तो A2 है वो हमारा 7 है माइनस 2, तो 7 - 2 कितना होता है 5, तो D की वैल्यू है वो हमारी कितनी आई 5, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम आगे, तो A10 उसका फॉर्मूला कितना होगा, A+90, चलो लगा दो, A की जगह क्या लगाएंगे 2 + 9 × 5 का कितना होता है 45 + 2 कितना होता है 47, तो A10 है वो हमें फाइंड करना था, वो हमने कर लिया, A10 हमारा कितना आया 47, कुछ नहीं थोड़ा इजी सम था। तो इसमें क्या बताया, टेंथ टर्म मतलब हमें A10 को फाइंड करना था, A10 को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला हमने चिपकाया सबसे पहले समझने के लिए कि हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। तो हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए था, हमें A की वैल्यू चाहिए थी, D की वैल्यू चाहिए थी, तो A हमारा 2 था, पहला टर्म हमारा A ही होता है, A बोल लो A1 बोल लो, पहला टर्म हमारा 2 था, अब ये AP है तो हम D को तो आराम से फाइंड कर सकते हैं, हमें पहले से बोला गया कि जो जितने भी टर्म्स है ये AP फॉर्म कर रही है, तो हमने क्या D फाइंड कर लिया, A2 - A, तो 7 - 2 कितना होता है 5, ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लिया। तो एग्जांपल नंबर 3 हमारा खत्म, इजी था, कोई नहीं आगे। अब इधर बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये एपी हमें बताया गया है, ये रहा 21, 18, 15 इज -81, देखो लास्ट वाली जो टर्म है ना वो हमें बताया गया 81, 21, 18, फिर वो हमें लास्ट में, देखो आपको पता है ना माइनस में जा रहा है, देखो 21 फिर माइनस हुआ 3 माइनस हुआ 18 माइनस 3 हुआ, तो इसलिए वो माइनस में लास्ट में, तो ये हमें बताएगी लास्ट टर्म, क्या बताया गया है लास्ट टर्म। सबसे पहले तो ये देखो एक फाइनाइट सीरीज है,
क्योंकि देखो लास्ट में एक टर्म आ गया हमारा, ठीक है। अगर देखो आप इसको 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 दो मिनट हटा दो, ये जो इज है ना उसको मत देखो, देखो डॉट 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 इधर तक इन्फाइनाइट बना रहा था, लेकिन देखो लास्ट में एक टर्म आ गया। टर्म आ गया मतलब एक फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब इधर बोला गया है कि 21 मतलब एपी है, एपी देखो ए हमारा 21, डी को हम कैसे फाइंड करेंगे, ए टू माइनस ए, ए टू क्या है हमारा 18 है, देखो ए टू हमारा 18 है, माइनस का साइन ए, ए वन हमारा क्या है 21। अब देखो 21 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 21 में वो बड़ा है तो उसकी साइन कह रही होगी तो माइनस 3, तो माइनस 3 वो हमारा क्या आया डी आया। तो देखो अभी इसको मैंने सोल्व करके बता दिया, माइनस डी हमारा आया माइनस 3। अब देखो आपको जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था वो फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला हमें लगाना है, यही फॉर्मूला हमें इस सम में लगाना है। अब देखो इधर पूछा गया है कि ये जो 81 है, 81 ये एक टर्म है कि नहीं, क्या पूछा गया है, ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें 81 एक टर्म है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो इधर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में जो ए एन लिखा है ना ए एन, क्योंकि देखो ये कोई भी टर्म होगी, से सपोज ये समझ लो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइनल आंसर नहीं बता रहा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, देखो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि ए टेन समझ लो, ये क्या हो गया माइनस 81, ठीक है। तो समझ लो इधर 10 है, एन की जगह 10 है, तो जो 81 है उसको हमें वहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए टेन की वैल्यू क्या है, समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, मतलब ये जो ए एन है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, देखो एकदम डिटेल में, ठीक है एकदम डिटेल में बताऊंगा, जो ए एन है उसकी जगह पे माइनस 81 लगाना है। क्यों लगाना है, ताकि हम एन फाइंड कर सके, एन एन हमारा क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था ना, हमें तो टर्म ही तो फाइंड करना है कि वो कौन सी टर्म है, कौन सी नंबर की टर्म है, तो हमें क्या फाइंड करना है एन, इधर जो एन है ना वो किसके लिए बताया गया, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वो एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो ए एन हमें देखे रखा है, देखो हमने ए एन देखे नहीं रखा, मतलब हमने उसको ए एन मान लिया, क्योंकि हमें फाइंड करना है एन, मतलब ये कौन सी टर्म है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो हमने एक लाइन लिखी, लेट ए एन इज इक्वल टू माइनस 81, ये हमने लिख दिया। अब ए एन का फॉर्मूला चिपका दो, ए एन की जगह ए एन का फॉर्मूला चिपका दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, देखो माइनस 81 फॉर्मूला चिपका है ना हमने ए एन की जगह पे चिपका दिया, चलो ए की वैल्यू क्या है 21। देखो एकदम मैंने आपको बताया कैसे हुआ, वो जो ए एन है, ए एन मतलब इधर कोई एक वैल्यू होगी पर्टिकुलर, तो वही वैल्यू को हमने क्या ले लिया माइनस 81 ले लिया, अज्यूम कर लिया। क्यों अज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें एन फाइंड करना है, एन मतलब एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कि कौन सी नंबर की वो टर्म है, तो हमें वही तो फाइंड करना है कि वो कौन सी नंबर की टर्म है माइनस 81, इसलिए चलो प्लस, प्लस का साइन, अब एन तो हम ढूंढ रहे हैं तो ऐसे ही रखेंगे। अब जो डी है वो क्या है हमारा माइनस 3 माइनस 81। अब देखो क्या होगा, जो 21 है वो उधर चला जाएगा माइनस में, क्या चला जाएगा 21 उधर माइनस में चला जाएगा, तो क्या होगा एन माइनस 1 माइनस 3, देखो ये इंटू में था ना, देखो इसको तो हमने उधर भेज दिया तो इधर हम लिखेंगे नहीं उसको, माइनस 81 ये प्लस में था उधर चला गया माइनस में, एकदम आराम से पढ़ेंगे कोई टेंशन नहीं है, माइनस 3 ब्रैकेट में नहीं लिखना था, वैसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, चलो ना सबको ब्रैकेट में लिख देते, ब्रैकेट का मतलब ये इसके मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का रिलेशन है दोनों का। अब क्या हुआ, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 102, ठीक है माइनस का साइन कह रही होगा वो तो आप, इतना तो आपको पता ही होगा। अब आगे ये माइनस 3 है उसको हम कहाँ भेजेंगे, नीचे, ये मल्टीप्लाई में वो इधर चला जाएगा डिवाइड में, क्या चला जाएगा डिवाइड में। और आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि जो ए ये 1 ए 2 ये सब एक टर्म है, ये टर्म कभी माइनस में नहीं हो सकती, आपने अभी तक सुना जितना भी हम चैप्टर पढ़े कि ए माइनस 1 वाली टर्म होगी, ए 1 है वो, क्या है ए 1, ए माइनस 1 हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो टर्म ये जो हमें जो एन की वैल्यू मिलेगी वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए,
ठीक है ना, वो n की वैल्यू, n की जो वैल्यू है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये जो माइनस माइनस का साइन है ना उधर, वो आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। या तो फिर ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, 1/2 जैसे फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, ओनली वो सिर्फ किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, जो हमारी एन की वैल्यू निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, ठीक है। चलो अब इधर आगे का सम इधर कर रहा हूँ, एन माइनस वन। अब जो ये जो है ना ये माइनस थ्री, इसके मल्टीप्लीकेशन में वो आपको पता है, और आपको पता है इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो उसका एकदम उल्टा हो जाता है मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में तो उधर चला जाएगा डिवाइड में, 102 के नीचे डिवाइड में, देखो माइनस माइनस कट हो गया। अब देखो ये जो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये आपको डिवाइड भी बता देता हूँ कैसे होता है, देखो 1+1 कितना होता है, 1+0 जीरो, मतलब इसका प्लस कर देने का, 102 का कर देने का प्लस, क्या कर देने का प्लस, 1+0+2 कितना आया 3, और जो 3 है वो हमारे 3 के टेबल में आता है, तो मतलब ये जो 3 से वो डिवाइड हो रहा है। अब देखो इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या आएगा, ये 2 है, 3 3 9 1 2 3 4 34, तो n-1 इज इक्वल टू हमारा क्या आया 34। अभी n-1 आया, l की वैल्यू नहीं निकले, जो माइनस वन है ना उसको हम उधर भेज देंगे प्लस में, तो क्या कर देंगे, देखो इधर माइनस में उधर चला जाएगा वो प्लस में, तो n की वैल्यू क्या है हमारी 35। तो ये जो 80 माइनस 81 है वो हमारी a 35 है, मतलब a 35 इज इक्वल टू माइनस 81 है, तो हमें ये तो फाइंड करना था कि वो कौन सी टर्म है, जो माइनस 81 है वो कौन सी टर्म है, हमें यही फाइंड करना था। ऊपर क्या था, ऊपर a10 कौन सी टर्म थी वो फाइंड करना था, लेकिन इधर ये बताया गया है कि जो ये वाला जो पूरा एक नंबर है वो कौन सी टर्म है वो हमें बताना था। चलो तो हमने बता दिया, हमने फाइंड कर लिया, तो उसके लिए सबसे पहले देखो थोड़ा बता देता हूँ क्या था। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, तो हमें एन चाहिए, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ए एन है उसको हमने क्या ले लिया, 81 ले लिया, हमें 81 माइनस 81 फाइंड करना था। अभी देखो अभी हमारा जो सम इधर खत्म नहीं हुआ है, आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, मतलब ए एन की जगह जीरो लेना है फिर इसको फिर से सॉल्व करना है। इधर ऐसा पूछ, एक और सवाल पूछा गया है कि जो जीरो है वो भी क्या एक टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो चलो हम वो भी देख लेते हैं। देखो इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है। आप देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इधर ही कर लेते हैं ना। तो देखो हमने क्या किया अभी, लेट ए एन इज इक्वल टू जीरो, हमने ए एन को ले लिया जीरो, ए एन की फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखो जो हमें एन की जो वैल्यू मिली ना वो यहाँ पे नहीं लगानी है, ठीक है, हमें एन की वैल्यू यहाँ पे नहीं लगानी है, हमें तो ढूंढना है, हमें तो जीरो के लिए ढूंढना है बैन। इधर हमने माइनस 81 के लिए एन ढूंढना था, अब इधर हमें जीरो के लिए एन ढूंढना है, ठीक है, समझ रहे हो। ए हमारा क्या था, 21 था, प्लस एन तो हम ढूंढ रहे हैं, तो डी था वो हमारा क्या था, माइनस 3 जीरो, ठीक है, इधर जीरो था हमारा। अब देखो ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, क्या चला जाएगा माइनस में, हाँ n माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 3, मतलब मल्टीप्लाई है दोनों, ये जो क्या प्लस में था उधर चला गया माइनस में, तो 0 माइनस 21, तो 0 माइनस 21 क्या आएगा, ऑब्वियसली माइनस 21 ही आएगा, ठीक है, हो गया हमारा इधर ख़त्म नहीं हुआ, मतलब इतना हो गया। अभी जो माइनस 3 है, देखो अभी ब्रैकेट देखो माइनस 3 को हमने उधर डिवाइड में भेज दिया, तो इधर ब्रैकेट हटा देंगे हम, तो माइनस 21 उसको क्या भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया, देखो ये भी माइनस में था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट हो जाता है, ठीक है, और प्लस का साइन आता है। अब देखो 3 7 जा 21 होता है, तो इधर हमारा क्या है, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 7, और जब माइनस 1 उसको हम उधर भेज देंगे, 7+1 क्या, 7+1, तो n इज इक्वल टू 8, तो जो एट टर्म है वो हमारी क्या है, जीरो, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारी एट टर्म है वो क्या है हमारी, जीरो। अब हम बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 5, ये हमारा हो गया खत्म। डिटरमाइन द एपीज, चलो देखते क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन। Determine the APs whose third term is a 5 and seventh term is 9. तो इधर ऐसा पूछा गया है, whose third term is 5, मतलब A3 हमें क्या दिया गया है, 5, क्या दिया गया है, 5,
और ए सेवन हमें दिया गया है 9, दो हमें दिया गया है, दो दो टर्म हमें दी गई, ए सेवन 9 दिया गया और ए फाइव सॉरी ए थ्री हमें दिया गया है 5। देखो अब हमें दो चीज फाइंड करनी है, ए भी फाइंड करना है डी भी फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसका ना एक फॉर्मूला है डी को फाइंड करने के लिए। क्या है वो फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन अपॉन में एम माइनस एन। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आए ना तब ये एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, देखो वैसे डी का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। ठीक है, लेकिन देखो इधर तो देखो ए सेवन और ए थ्री है तो हम डी तो फाइंड कर ही नहीं सकते ऐसे, हमें ए भी फाइंड करना है डी भी फाइंड करना है। सबसे पहले डी को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है जो ए एम ए एम, अब आपको पता है ए एन ए एम क्या होता है। देखो ये जो चीज़ होती है ना वो ए एम ए एन समझ लो, मतलब देखो ए थ्री ए थ्री ए थ्री को समझ लो ए एन, ए थ्री को समझ लो ए एन, ए एन हो गया हमारा 5। ठीक है, और ए एम हो गया हमारा 9। तो जो बड़ी वाली टर्म होगी ना, बड़ी वाली उसको हम ए एम लेंगे और जो छोटी वाली टर्म होगी उसको हम क्या लेंगे ए एन, डी के हिसाब से और डी को फाइंड करने के लिए। अब देखो ये जो एम है एम उसमें जो एम दिख रहा है एम मतलब ए सेवन, तो सेवन जो होगा हमारा एम होगा। कहने का मतलब ये डी इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू क्या है 9 है माइनस जो ए एन है ए एन वो हमारा 5 है अपॉन में ए सेवन, ये सेवन है सेवन इधर क्या है 7, देखो लिख देता हूँ 7। तो ए एम एम का मतलब इधर जो है ना वो 7, एम का मतलब 7 माइनस इधर क्या है एन, एन की जगह क्या है इधर 3, तो उधर क्या लिखेंगे हम 3। तो डी इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएगा वो भी 4। देखो 4 कट हो गया 1, तो डी की जो वैल्यू है वो हमारी आई 1। क्या आई हमारी 1, तो डी की वैल्यू है वो हमारी आई 1। अब देखो आपके पास दो चीज़ें, ए थ्री है हमारा 5 और ए सेवन है हमारा 9। अब देखो ए थ्री की फॉर्मूला आपको पता है, आपको ए थ्री की फॉर्मूला पता है ए प्लस 2D, और ए थ्री क्या था हमारा 5 था ना, तो ए थ्री की जगह हमने उसकी फॉर्मूला चिपका दी ए प्लस 2D। क्या चिपका दिया, ए प्लस 2D उसकी फॉर्मूला चिपका दी। अब देखो ए तो हमें फाइंड करना है, हमें डी पता है, डी हमारा है 1, तो उसको हमने 1 इधर डाल दिया, 2 1 जाए कितना होता है 2 होता है, प्लस 2 उधर जाएगा माइनस में 5 माइनस 2, तो ए हो जाएगा हमारा 3। तो देखो हमें ए की वैल्यू 3 मिल गई और डी की वैल्यू 1 मिल गई। तो देखो अब तो क्या है, अब तो हमारा सम एकदम ईजी है, ए हो गया हमारा 3। अब हमें क्या बोलना है, डिटरमाइन द एपी। अब हमें इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बताना है, मतलब आगे कंटिन्यू करना है। देखो अब देखो ए की वैल्यू है हमारी, ए की वैल्यू है हमारी 3। अब ए टू को फाइंड करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस डी फॉर्मूला माइंड मैप, ए क्या हमारा 3 प्लस 1 कितना हुआ 4। ठीक है, तो जो ए 3 है वो हमारा, ए हमारा 3, ए 2 है हमारा 4, और ए 3 तो हमें पहले से देखे रखा है 5। ए 4 क्या है हमारा, ए 4 फॉर्मूला ए प्लस 3D, ए हमारा ए की वैल्यू हमारी 3 प्लस 3 इंटू 1, डी की वैल्यू हमारी 1, 3 प्लस 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 6, तो ए 4 है वो हमारा 6। तो ऐसे बताएंगे हम ए पी इज इक्वल टू 3, फिर सबसे पहला 3, फिर 4, फिर ये क्या बोलते हैं इसे 5, फिर है हमारा 6, और ये ऐसे इन्फाइनाइट जाती रहेगी। ठीक है, इसको हमें ऐसे शो करना था, डिटरमाइन द एपी मतलब। ठीक है, हमें एपी को बताना है कि जो एपी है सबसे पहला उसका 3 है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, सेकेंड टर्म हमारा 4 है, थर्ड टर्म हमारा 5 है। ठीक है, तो ये सम भी हमारा हो गया। हमें सिर्फ क्या करना था, इधर एक कंफ्यूजिंग वाली चीज़ थी, क्या थी हमारे पास, ए नहीं था डी नहीं था, तो बंदा करे तो करेगा। तो ये है वो फॉर्मूला डी के लिए, जो बड़ी टर्म है उसको हमें ए एम लेना है, ठीक है, और जो छोटी टर्म है उसको हमें ए एन लेना है। ये वो वाला ए एन नहीं है, ठीक है, वो वाला ए एन अलग, जो ए एन ये वाला जो ए एन है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाली अलग चीज़ है, वो इससे इसका उससे कोई नाता ही नहीं है। ठीक है, वो वाली चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ अलग है। ठीक है, तो फिर उसको ए एन को उससे कंपेयर मत कर लेना। चलो बढ़ते आगे,
एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23। तो इधर बोला गया जो एपी है, ये जो एपी दिया गया है हमें, इसमें हम इस एपी में हमें 301 कौन सी टर्म है वो फाइंड करना है। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में किया था, ऊपर कोई एग्जाम्पल में हमने किया था ना, वैसे ही करना है। तो चेक वेदर 301, तो हम सबसे पहले हमें ए, ए हमारा क्या है 5, ठीक है। आपको ये सब फाइंड करने के लिए ए और डी तो चाहिए। अगर आपका ए और डी है तो फिर आपका कुछ भी हो सकता है, हर एक कोई भी सम हो सकता है। देखो 5, 11, 17, 23, तो डी है वो ए टू माइनस ए इज इक्वल टू 11 माइनस 5। एग्जाम्पल 6, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ अ नंबर 5, 11, 17, 23। मतलब ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है हमें, क्या ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इसमें हमें ये बताना है कि जो 301 वो हमारा कौन सी टर्म है, ये बताना है। जैसे हमने ऊपर किया था ना, वैसे ही ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ऊपर के ऊपर ऐसा कोई एग्जाम्पल था ना, उसमें किया था। ए है वो हमारा 5 है, ठीक है। डी को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ए टू माइनस ए, इधर हमारा ए टू क्या है 11, तो 11 माइनस 5 कितना होता है 6, ठीक है। तो हमें डी मिल गया और ए मिल गया, चलो। तो अब डी हमारे पास ए और डी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, लेट ए एन इज इक्वल टू 301, हमने ए एन को 301 ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म, वो कौन सी टर्म है वो हमें फाइंड करना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 301। ए है वो हमारा क्या है 5 है, प्लस एन माइनस 1 डी है वो हमारा 6, 301। अब ये जो 5 है उसको उधर माइनस में भेज दिया, क्या कर दिया माइनस में भेज दिया, ठीक है। चलो कर लेते माइनस, उसको उधर माइनस में भेज दिया, एन माइनस 1 इंटू 6, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते, उसको उधर माइनस में भेज दिया। तो माइनस कर दो कितना आएगा 296 होगा। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 है ना वो एन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू एन, 6n माइनस 6, ठीक है, ओके। अब जो 296 है, अब ये वाला जो 6 है माइनस 6 वो हो जाएगा प्लस में, अगर उधर उधर प्लस में जाएगा, उधर प्लस होगा तो कितना होगा 302 होगा, 6 उधर प्लस होगा 302। अभी जो 6 है उसको हम भेजेंगे डिवाइड में, 302 अपॉन में 6, देखो 6 को हमने उधर भेज दिया। अब देखो ये दोनों है ना वो 2 के टेबल में आते हैं, 2 से वो कट हो सकते हैं ना। देखो पीछे अगर 2, पीछे अगर किसी के नंबर में पीछे अगर वो क्या बोलते हैं इवन नंबर है तो फिर वो आप समझ जाना कि वो जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड होती है। जैसे इधर 2 है तो 2 इवन नंबर है ना, इवन नंबर 0, 2, 4 ये सब इवन नंबर है तो वो 2 से कट हो सकता है। तो 2 से कट होगा कितना होगा ऊपर 151, और ये 2 से कट होगा तो कितना होगा, मतलब देखो ऐसे 2 इंटू 151 और 2 इंटू 3 ऐसा होता है ना, तो 2 कट हो गया, 151 और नीचे 3 बचा, ठीक है। अब देखो 3 से डिवाइड करने का वो क्या फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको ट्रिक, कि 5 + 1 = 6 + 1 = 7, ठीक है। 7 है, 7 3 के टेबल में आता नहीं है, मतलब जो 7 इसका टोटल 7 हो रहा है ना, और 7 3 के टेबल में आता नहीं है, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब हमारा जो n है वो क्या आया फ्रैक्शन में आया। और हमें पता है कि हमारा n फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ना ही वो नेगेटिव आना चाहिए, ना ही वो डेसिमल में आना चाहिए, ठीक है। और डेसिमल शायद मैं आपको बोलना भूल गया था, डेसिमल में भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इधर जो n है वो हमारा क्या आया फ्रैक्शन में, ठीक है। चलो तो हम बढ़ते आगे। अब देखो फ्रैक्शन में आया तो n की वैल्यू निकल नहीं रही, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट n शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर लिख दो या फिर पॉजिटिव कुछ भी चलता है, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर इट क्या बोले इट नाइदर नेगेटिव
इट नाइदर नेगेटिव नॉर इन फ्रैक्शन लिख दो, फ्रैक्शन और डेसिमल का मतलब एक ही हो गया, ठीक है। ठीक है, लाइन तो आप बना के लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बुक में जो लिखी है वो भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया ऐसे लिखते हैं, वी नो दैट एन, ये एन मतलब ये जो हमने फाइंड किया ना, ये हमारा किस में आया, फ्रैक्शन में आया। लेकिन हमें क्या पता है कि वी नो दैट द एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, एन हमारा हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, इट नाइदर नेगेटिव नॉर इन फ्रैक्शन, वो ना ही नेगेटिव में हो सकता है ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकता है और ना ही वो डेसिमल में हो सकता है। फ्रैक्शन डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शन को ऐसे उड़ाओगे तो वो डेसिमल में हो जाएगा, इसलिए डेसिमल नहीं लिखा मैंने। ओके, तो एग्जांपल 6 है हमारा हो गया, तो इसका मतलब क्या, जो 301 है वो हमारा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, मतलब इधर बोला गया कि टू डिजिट नंबर हो, टू डिजिट नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 10 से लेके 99 तक होते हैं, ठीक है, कोई नहीं, 10 से लेके होता है हमारा 99। अब देखो इधर बोला गया है 3 से इन नंबर्स के बीच में कितनी टर्म्स जो 3 से डिवाइड होती है। अब मैंने टर्म बताया, टर्म बोला ना, तो टर्म मतलब हमें एन फाइंड करना है, जैसे हम ऊपर टर्म्स फाइंड करते थे, तो हमें इस समय भी n फाइंड करना है। और n किस लिए फाइंड करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसे कौन कितने नंबर्स है, कितनी टर्म्स है जो 3 से डिवाइड हो रही है, तो वही तो हमें फाइंड करना है। तो देखो, टू डिजिट नंबर मतलब 10 से लेकर 99। अब देखो हमें पहली टर्म फाइंड करनी, तो एक कैसे फाइंड कर सकते, देखो एक ट्रिक है, 3 इसको 3 से डिवाइड कर लिया, हम 3 की तो बात कर रहे हैं, तो 3 से हमने 10 को डिवाइड कर लिया, तो 3 3 9 और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। हाँ, इसी 1 को हमें इससे माइनस करना है, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और इसी 2 को इधर हमें प्लस करना है, तो 10 + 2 कितना होगा, 12। तो जो पहली टर्म है वो हमारी क्या हो गई, 12। ये एक ट्रिक है फाइंड करने का, देखो इधर रिमाइंडर हमारा 1 बचा, तो 1 को हमने 3 से माइनस कर दिया, तो 2 आया, 2 को हमने 10 से प्लस कर दिया, 10 + 2 = 12, वही 12 जो हमारी पहली टर्म है, ठीक है। और पहली टर्म है वो भी बता देता हूं, 10 जो है वो 3 के टर्म में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 11 भी 3 के टेबल में नहीं आता, और बचा क्या, 12। आगे जो 12 आया वो 3 के टेबल में आता है, मतलब वही उसका पहला टर्म हुआ ना, ना 10 तो आता ही नहीं है तो वो उसका पहला टर्म नहीं हुआ, 11 भी नहीं आता वो भी उसका पहला टर्म नहीं हुआ, 12 वो हमारा 3 के टेबल में आता है इसलिए वो उसका पहला टर्म हुआ। चलो अब डी तो 3 होगा ना, क्यों 3 होगा, देखो 3 का टेबल की तो हम बात कर रहे हैं, जो डिजिट 3 से डिवाइड हो रही हो उसी की तो हम बात कर रहे हैं, तो मतलब इधर क्या होगा, 3 3 3 3 3 प्लस होता जाएगा, मतलब पहला टर्म 12 है तो दूसरा टर्म कितना होगा, उसमें 3 प्लस कर दो 15 होगा ना, तो जो 3 है वही हमारा इस सम में डी है, क्योंकि हम 3 के टेबल की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, अब देखो हमें पहला टर्म मिल गया ए, अब देखो इसके बीच में हमें कितनी टर्म्स जो 3 से डिवाइड होती है वो फाइंड करनी है, तो हमें ए एन को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ए एन को फाइंड करने के लिए देखो, सबसे पहले ए को फाइंड करने के लिए हमें 3 को इससे डिवाइड करना है, ए को फाइंड करने के लिए हमें ए एन को फाइंड करना है, तो उसको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड। तो देखो तो 3 / 99, देखो 3 3 9 तो वो क्या हो गया, 0, ये 9 नीचे कैरी हुआ, 3 3 9, तो देखो नीचे रिमाइंडर में क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। और क्या करने का होता है, जो 0 है ना उसको इधर माइनस करना होता है, जो 0 है ना 0 इसको डायरेक्ट इधर माइनस करना होता है, ठीक है। तो 99 - 0 कितना आया, 99 है, तो 99 है वही हमारा लास्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को फाइंड करने की एकदम ट्रिक है, ऐसे सम्स है ना 5.2 में भी आएंगे, ठीक है, तो उसको भी हमें इसी से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो जो ए एन है वो हमारा क्या है, 99। अब ए एन हमारा 99, तो ए एन अब हमें इसमें एन फाइंड करना है, एन फाइंड करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितनी टर्म्स है जो 3 से डिवाइड होती है। तो जो ए एन उसका फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। ए है उसका वैल्यू क्या है, 12 प्लस एन तो हम फाइंड कर रहे हैं, डी है वो हमारा क्या है, 3 ब्रैकेट में लिख लेते 99, ठीक है।
अब ये 12 है, स्टेप के लिए एरो कर देता हूँ, 12 है उधर जाएगा माइनस में, एन माइनस वन इंटू थ्री 99 माइनस 12, 12 को इसमें माइनस कर दो कितना आएगा, 99 को 12 से माइनस कर दो 87, ठीक है। अब इसी 3 को नीचे डिवाइड में भेज दो, n माइनस वन इज इक्वल टू 87 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो 8 + 5 कितना होता है, 8 + 7 कितना होता है, 15 होता है, और 15 3 के टेबल में आता है, मतलब जो 87 है वो 3 से डिवाइड होगा, तो कर लेते हैं, चलो क्या होगा, 3 2 6, 2 नीचे 7, 3 9, मतलब 29, तो जो n माइनस वन इज इक्वल टू 29 आया हमारा, ठीक है। अब इस वन को, इस ये जो वन इधर बचा है उसको हम कहाँ भेजेंगे, उधर प्लस में, 29 + 1 n इज इक्वल टू 30, मतलब 10 से लेके मतलब टू डिजिट नंबर में टोटल 30 टर्म्स है जो 3 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो हम इधर एक लाइन लिख देंगे लास्ट में, थस देर आर 30 टर्म्स विच थेर आर 30 टर्म्स इन टू डिजिट नंबर को ऐसे लिख देता हूं मैं, टू डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, समझ गए इस सब में क्या था। ये सब एकदम यूनिक था, प्रैक्टिकल लेवल जिसको पता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको पता है, वो इस सम को आराम से कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या करना था, जो हमारा टू डिजिट नंबर होता है वो 10 से लेके 99, और देखो हमें पहला टर्म और लास्ट टर्म फाइंड करना होना, तो ये वो है ट्रिक, ठीक है। इसमें पहला टर्म कैसे फाइंड करते हैं, देखो जो रिमाइंडर बचा ना उसको इधर माइनस करना होता है, और इधर जो इन दोनों का आंसर क्या है, 2, और इसी 2 को हमें इधर ये जो हम जिसको डिवाइड करें उससे प्लस करना होता है, ठीक है। और an को फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो रिमाइंडर बचता है ना उसी को हमको डायरेक्ट इससे माइनस कर देने का, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा हो गया, बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 8 पे, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8, चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या बोला है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी दिया गया है। अब देखो ये एकदम यूनिक सम है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि इस ये देखो ये वाला हमारा क्या, हमारा an हो गया ना, ये वाला हमारा क्या हो गया an, देखो ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, देखो ये फर्स्ट टर्म फिर डॉट डॉट ऐसा आता है ना, एकदम लास्ट में जो वैल्यू लिखी होती है वो हमारी होती है लास्ट टर्म, मतलब ये हो गया हमारा an, ठीक है। क्या हो गया हमारा an, देखो ये सम थोड़ा यूनिक है, क्या है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। सॉरी वो बीच में थोड़ा नॉइस आ गया, चलता है। अब देखो इसमें क्या है, लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ये ए एन है उसमें हमें एन टर्म फाइंड, एन की कितनी टर्म्स है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और उधर से हमें 11 टर्म बैक आना है, सम करते पता चल जाएगा, कंफ्यूज मत हो, सम करते पता चल जाएगा। जो ए देखो सबसे पहले ए है हमारा 10, डी है हमारा क्या 7 - 10, मतलब a2 - a1, 7 - 10 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, -3, तो डी आया वो हमारा क्या आया -3, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेट an इज इक्वल टू -62, -62 को हमने क्या ले लिया an का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × d इज इक्वल टू -62, ये तो an के इज इक्वल टू था ना इसलिए। अब ये तो हमें फाइंड करना है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म है, अगर हमें लास्ट टर्म पता है ना तो हम फाइंड कर सकते हैं कि उसमें उस पूरे एपी में लास्ट टर्म है, तो उस पूरे एपी में हम फाइंड कर सकते हैं वो कितनी टर्म है। चलो तो ए है हमारा 10 प्लस एन तो हम फाइंड कर रहे हैं, डी है हमारा -3, टेन प्लस में उधर जाएगा माइनस में, टेन प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 62 + 10 कितना होता है 72,
टू, और साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो माइनस थ्री हो जाएगा नीचे डिवाइड में, माइनस 72 है वो नीचे जाएगा डिवाइड में, ये माइनस माइनस कट, इसको इससे काटो, 3 2 6 और 12 मतलब 4, 24 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 24, एन इज इक्वल टू 25। ये मैंने माइंड में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 24 आया, फिर माइनस 1 उसको उधर हमने प्लस में भेज दिया, एन इज इक्वल टू 25 आया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमें इस 22 से लेके बैक आना है टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, मतलब देखो ये वाली टर्म कौन सी, ए 25 हमारा क्या है, माइनस 62 है। अब यहां से हमें पीछे आते जाना है, कितनी टर्म पीछे आते जाना है, 11 टर्म्स पीछे आते जाना है। तो देखो 11 टर्म पीछे आएंगे, ये 25 को हमें गिनना है। देखो SSM 5.2 में भी आएगा, कुछ लोग क्या करते कि डायरेक्ट, सबसे पहले मैं नंबर्स लिख देता हूँ 20 रिवर्स में, क्योंकि हमें पीछे जाना है ना, 11 टर्म पीछे जाना है, क्या जाना है पीछे, ये टर्म्स लिखे हैं देखो, ए 25 ये जो आया हमारा, ये 24 हमें पीछे जाना है ना, इसलिए ये 17 16 15 14 13 इतना काफ़ी है। चलो तो देखो ये है 25, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसको ढूंढने बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें इसको भी गिनना है, हमें 25 से गिन के 11 काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब ए 15, मतलब 15 टर्म को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे है वो इसको आराम से कर सकता है। हमें यही तो पूछा है कि फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये जो एपी है उसमें कितनी टर्म्स है, सबसे पहले हमें वो फाइंड करना है, फिर वहां से हमें 11 टर्म्स पीछे आना है और जिसमें हमें 25 जो उसको भी हमें गिनना है, ठीक है। तो जो 15 है वो हमें फाइंड करना है, तो ए 15 इज इक्वल टू ए प्लस 14 डी, उसका फॉर्मूला पता है। चलो ए हमारा 10 प्लस 14, डी हमारा क्या, माइनस 3, 14 को 3 से डिवाइड करो, 14 को 3 से डिवाइड करो, 12 3 1 3 4 42 कितना आया, 10 प्लस, देखो ब्रैकेट में रखेंगे एकदम इजी रहेगा, सिग्मा सर ब्रैकेट में रखना सिखाया ना, ब्रैकेट में रखोगे तो एकदम आराम से एकदम इजी हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 42 माइनस 32, ओके समझ गए कैसे फाइंड करना था। सबसे पहले ये सम बहुत यूनिक था, इसमें क्या करना था, सबसे पहले हमें ये जो एपी है उसकी कितनी टर्म है वो फाइंड करना था, फिर वहां से हमें 11 टर्म पीछे आना था, मतलब 11 फ्रॉम द लास्ट 11 से वहां से 11 काउंट करके पीछे आना था हमें। सब टोटल टर्म कितनी, 25 टर्म थी, अब वहां से 11 पीछे और 11 पीछे करेंगे तो जो टर्म आएगी वही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। वो हमने फाइंड कर दी, उसका आंसर हमारा क्या है, माइनस 32। चलो तब आगे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, और पूछा गया है अगर एपी फॉर्म करते हैं तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज दिस फैक्ट। तो देखो इस सम में हमें प्रिंसिपल देख रखा है पी प्रिंसिपल, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करना है, इसे कैसे करना है, सिंपल इंटरेस्ट है हमें बताना है, मतलब पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मतलब वो ए हो गया, ए वन हो गया, फिर सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा वो ए टू हो गया, फिर हमें डी फाइंड करना है, ठीक है। और अगर ए पी बनाता है तो हमें क्या करना है, ए थर्टी मतलब ए थर्टी फाइंड करना है, ठीक है। चलो कर लेंगे, तो पी आर है हमारा 8 और ईयर तो हम उसके हिसाब से लेंगे, हमें सबसे पहले देखो हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट आप 8 स्टैंडर्ड में पढ़े उसका फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है ये वो फॉर्मूला है, इधर लिख दूंगा मेरे को टेंशन नहीं, फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये हमारा 1000 इंटू 8 इंटू हम किस
सबसे पहले टाइम है, टीम टी सेट्स फॉर टाइम, ठीक है। तो हम एक ईयर का फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, वन ईयर का, तो लिखेंगे और अपॉन में थाउजेंड, ये हंड्रेड होता है फॉर्मूला का। तो देखो जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट, एट वन ज़ा तो एट, और फिर एट टेन ज़ा कितना होता है एटी, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर, मतलब ये हो गया हमारा ए वन हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया अब ए टू। फॉर सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल हमारे साथ थाउजेंड, रेट था हमारा आठ, और इधर हमारा वन ईयर था, अब हम सेकेंड ईयर का फाइंड कर रहे हैं फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो फॉर सेकेंड ईयर अपॉन में हंड्रेड फार्मूला का, जीरो 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 कट, ए टू ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू टेन एक सौ साठ। अब कर लेते हैं ऐसे ही फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट थाउजेंड इंटू आठ इंटू, अब थर्ड ईयर का फाइंड करेंगे, थ्री लगा देंगे नीचे फॉर्मूला में हंड्रेड, जीरो 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 कट, ए थ्री जा क्या होता है ट्वेंटी फोर इंटू टेन, मतलब एक जीरो, ओके। तो देखो ए वन हमें मिल गया एटी, ए टू मिल गया हमें वन सिक्सटी, और ए थ्री मिल गया हमें टू फोर्टी। चलो अब हम बढ़ते आगे सम की तरफ, ए वन हमें क्या मिला, ए मैं ए लिखता हूँ, ए वन थोड़ा अजीब लगता है इसलिए ए, ए हमें लिख दिया एटी, ए टू है हमारा वन सिक्सटी, और ए थ्री है हमारा टू फोर्टी। तो देखो अभी हमें ये हमने फाइंड कर लिया, अब डी फाइंड कर लेते हैं, देखो डी ए टू माइनस ए एक सौ साठ माइनस अस्सी, हमें ये बताना है कि ए पी फॉर्म करता है कि नहीं। तो देखो दोनों, सबसे पहले दोनों का कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, तो ऑब्वियसली वो जो वैल्यूज होती है ना एक के बाद एक ईयर के हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो डी सेम ही है उसका, है सब सिंपल इंटरेस्ट में डी, मतलब वो क्या बोलते हैं गैप सेम ही रहता है। 240 माइनस 160 कितना हो गया 80, ठीक है। तो 80 जो है वो हमारा क्या है डी। अब हमें क्या फाइंड करना है इफ, सो अभी इधर बोला कि एपी अगर वो बनाता है, देखो एपी तो बनाता है, डी हमारा 80 सेम है, तो अगर वो बनाता है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो हमें 30 इयर्स का इंटरेस्ट, 30 जो 30 वाई 30 या 30 वा वन वा ईयर फिर 30 वा ईयर वैसे ही उसका भी इंटरेस्ट फाइंड करना है, जैसे हमने 1 का फाइंड किया वैसे हमें 30 इयर्स का भी इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, अब देखो आपको पता है ए वन का हमने फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड किया, ए टू का हमने सेकेंड ईयर के लिए फाइंड किया, तो वैसे ही 30 ईयर का इंटरेस्ट हम ए 30 के लिए फाइंड करेंगे। तो देखो हमें इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट ए 30 को फाइंड कर लेंगे, तो हमें उसका इंटरेस्ट मिल ही जाएगा। तो देखो फॉर फाइंडिंग इंटरेस्ट क्या लिखा है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स का हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हम क्या ले सकते हैं ए 30 ले सकते हैं। ए 30 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 29 माइंड मैप, ए हमारा होता है 80 प्लस 29 इंटू 80, तो 29 इंटू 80 सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 89 से 70 टू, ये 2 है मेरा ऐसा ही होता है, 8 टू जा 16 और 20, अरे ये क्या लिख दिया 70, सब क्लियर हो गया, कोई चलो ना हम वो कर लेते, आपको इतना तो पता चल गया क्या था, वो 80 से मल्टीप्लाई कर लेते 89 जा 72 8 टू जा 16 और 2320, तो 830 हम फाइंड कर रहे थे, जिसमें a प्लस 29 डी, ए था हमारा 80 प्लस 29 इंटू 80 80 प्लस 2320 2400, तो ये हमारा हो गया ए 30, मतलब 30 ईयर का क्या बोलते हैं इंटरेस्ट। सो द इंटरेस्ट ऑफ 30 ईयर इज, एंड ऑफ 30 ईयर लिख देना, एंड ऑफ 30 ईयर इज 2400, ठीक है। तो ये हमारा सम खत्म हो गया, थोड़ा यूनिक था सिंपल इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करना था। देखो एग्जांपल 10 हम करेंगे, ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा इस वीडियो का,
ठीक है। एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज 5.2 हम नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 10, इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड एंड 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन, देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर्स। मतलब देखो इधर बोला गया है फर्स्ट रो मतलब A1, फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स थे, मतलब इधर बोला गया A इज इक्वल टू 23 और सेकेंड रो में कितने थे 21 थे, तो A2 हमारा हो गया 21 और थर्ड रो में कितने थे 19। अब देखो डी को फाइंड करने का फॉर्मूला A2 - A1, देखो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बना रहा है वो तो हमें पता ही है, तो दो बार डी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। A2 हमारा है 21 और फॉर्मूला का माइनस फिर 23 और 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा और साइन लेकिन बढ़ेगा कैरी होगा, तो -2 जो है वो हमारा क्या है डी हमारा है -2, तो सही से लिख देता हूँ डी इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, अभी हमें an भी बता के रखा है, जो लास्ट टर्म है ना फर्स्ट रो को हमने a1 मान लिया, तो वैसे ही लास्ट रो मतलब एकदम लास्ट टर्म, तो उसको वो हमें देखे रखा है, क्या देखे रखा है an हमें देखे रखा है 5, an को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, थीके? तो लास्ट टर्म में 5 देखे रखा है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। अब इन सब के बीच में कितनी वो क्या बोलते हैं फ्लावर के मतलब ये जो रोज थी मतलब पहली रो तीसरी रो कितनी रोज थी वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो हम ये फॉर्मूला से हमें मिल जाएगी कितनी रोज वहाँ पे थी, तो A+(n-1)(d=5), तो ए हमारा क्या है 23 प्लस एन तो हम फाइंड कर रहे हैं और डी हमारा क्या है -2, 5, ठीक है। अब 23 उधर जाएगा माइनस में, क्या जाएगा 23 उधर माइनस में जाएगा 5 - 23। अब 23 को -5 प्लस माइनस होता है 23, 5 माइनस कर दो उसको 18 आएगा और 23 का साइन बड़ा था माइनस का साइन लगेगा, बॉक्स बना दिया रुको सॉरी -18, ठीक है। अब -2 है वो नीचे जाएगा डिवाइड में, क्या जाएगा ब्रैकेट नहीं लिखते सॉरी अपन में -2, देखो माइनस का 2 - 18 n-1=9 n a -1 + में तो n हमारा आ गया 10। सो देर आर 10 रोज इन फ्लावर बेड, थोड़ा राइटिंग ऐसा ही है कोई नहीं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 10 भी हमने एकदम आराम से कवर किया, थोड़ा साइड में आ जाता हूँ देख लो एक बार, ठीक है। तो देखो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 हम यहीं तक रखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।